दोस्तों अब लगता है इन्फिनिक्स भी कुछ नया और कुछ अच्छा करने वाला है। हमको इन्फिनिक्स के जितने भी फ़ोन अभी तक मिले हैं उनमें सब चीज़ तो अच्छी मिली है, लेकिन प्रोसेसर में यहाँ पे इन्फिनिक्स ने थोड़ी सी कंजूसी की है। लेकिन फाइनली इनके जो अब नए अपकमिंग फ़ोन सामने निकल के आ रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इन्फिनिक्स 08 के बारे में मैंने आपको बताया था। वो फ़ोन में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी कमाल की है, फास्ट चार्जिंग 33 वाट की, उसके बाद आपको जो है 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स 08 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको इन्फिनिक्स की तरफ से एक और फोन देखने को मिलेगा जो वो भी बहुत जल्द लॉन्च होगा, जिसका नाम इन्फिनिक्स हॉट 10 होने वाला है। अगर आप इन्फिनिक्स 08 के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो मैं कार्ड में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं इन्फिनिक्स 08 में क्या कुछ खास मिलने वाला है। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 भी दोस्तों लीक होकर सामने निकल के आया है। इन्फिनिक्स हॉट 10 को दोस्तों गूगल प्ले कंसोल में देखा गया है, जहां पे पता चलता है ये जो फोन है एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है और आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जैसा हमें जो है इन्फिनिक्स हॉट 9 में देखने को मिलता है। उसके बाद जो पीछे का डिजाइन है दोस्तों वो भी काफी हद तक आपको इन्फिनिक्स के हॉट 9 की तरह ही देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे इसके बैक पैनल में, डिजाइन में थोड़ा सा। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस फोन की प्रोसेसर को लेके, इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये फोन जो है मीडियाटेक के हीलियो G70 के चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला है। साथ में आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस बार जो है परफॉर्मेंस को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे मीडियाटेक का एक अच्छा सा प्रोसेसर यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं जो है थम्स अप देना चाहूंगा इन्फिनिक्स को। उसके बाद अगर बात करता हूँ दोस्तों कैमरास के ऊपर, तो कैमरास को लेकर अभी भी कोई भी डिटेल सामने निकल के नहीं आई है। उम्मीद है पीछे आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हो सकता है, और जो फ्रंट कैमरा होगा दोस्तों मुझे लगता है वहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको 5100mAh की 5100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग शायद के इस बार भी आपको देखने को ना मिले इन्फिनिक्स हॉट 10 में। और अगर बात करता हूँ दोस्तों बाकी और चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का XOS और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो इन्फिनिक्स की तरफ से हमें देखने को मिलेगी इन्फिनिक्स हॉट 10 में। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना चीज के लिए मैं खुश हूं कि इन्फिनिक्स फाइनली अपने प्रोसेसर में चेंज कर रहा है और एक नया प्रोसेसर, एक अच्छा प्रोसेसर जो है हमें इन्फिनिक्स के फोन में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इन्फिनिक्स के फोन देखो दोस्तों तो वो डिजाइन के मामले में काफी अच्छे होते हैं, बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, कैमरास भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोसेसर में थोड़ा सा वो कंजूसी कर देते हैं। तो फाइनली इसको भी यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं, कस्टमर की डिमांड है कि वो एक अच्छा प्रोसेसर यूज करे, तो फाइनली ऐसा ही करने वाला है इन्फिनिक्स। और लॉन्च डेट को लेके बात करें तो अगले आने वाले 1-2 महीने में आपको जो है ये फोन देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको इन्फिनिक्स का ये फोन, क्या आप इस फोन को परचेस करना चाहोगे अगर ये G70 चिपसेट के साथ आता है और आपको अंडर 10,000 मिलता है, बताना मुझे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय करें।